नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉइन लाइफ पर। क्या आपको अक्सर थकान या कमजोरी महसूस होती है? इसका कारण आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हीमोग्लोबिन के महत्व, इसकी जरूरी मात्रा और इसे बढ़ाने के 6 आसान और प्रभावी तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर हीमोग्लोबिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारी रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। यह हमें ऊर्जावान यानी एनर्जेटिक और स्वस्थ रहने में मदद करता है। अगर हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाए तो इससे एनीमिया, थकान और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि शरीर को कितना हीमोग्लोबिन चाहिए होता है। कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर पुरुषों के लिए 13.8 से 17.2 ग्राम प्रति डेसीलीटर, महिलाओं के लिए 12.1 से 15.1 ग्राम प्रति डेसीलीटर और बच्चों के लिए 11 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। इन स्तरों को बनाए रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। आइए अब देख लेते हैं कि आप अपनी डाइट में कौन से ऐसे फूड्स शामिल कर सकते हैं जो शरीर में हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप आयरन से भरपूर आहार का सेवन करें। क्या आप जानते हैं कि आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है? आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे पालक, मेथी, दालें, सूखे मेवे और मांस का सेवन करें। साथ ही विटामिन सी वाले फलों के साथ इन्हें खाने से आयरन का अवशोषण तेजी से और बेहतर होता है। नेक्स्ट इन द लिस्ट है, अपनी डेली डाइट में विटामिन सी का सेवन बढ़ाएं। विटामिन सी शरीर को आयरन अवशोषित यानी अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। अपनी डाइट में संतरे, नींबू, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च जैसे फलों को शामिल करें। आप डॉक्टर की सलाह से विटामिन सी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके बाद ये भी जरूरी है कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप फोलेट से भरपूर आहार खाएं। दरअसल फोलेट, जिसे विटामिन B9 भी कहा जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है। इसके लिए आप पालक, खट्टे फल, दालें और फोर्टिफाइड अनाज आदि खाएं। फोर्टिफाइड अनाज, जिन्हें इंग्लिश में फोर्टिफाइड सीरियल्स कहा जाता है, इसका मतलब ऐसे अनाज होते हैं जिनमें अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे आयरन, विटामिन B12 और विटामिन D मिलाए जाते हैं। आइए कुछ फोर्टिफाइड अनाज के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गेहूं के उत्पाद फोर्टिफाइड गेहूं के फ्लेक्स या दलिया, या चावल आधारित अनाज जैसे कि फोर्टिफाइड चावल या बेबी फूड, आयरन और विटामिन से भरपूर ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स जो कि विटामिन और आयरन से समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट है मल्टीग्रेन अनाज या फिर ब्रेकफास्ट अनाज, जैसे केलॉग्स और नेस्टले के उत्पाद फोलेट के अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद जब भी शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने की बात आती है तो विटामिन B12 का महत्व समझना भी इम्पॉर्टेंट है। जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो इसके चलते हीमोग्लोबिन का स्तर भी गिर सकता है। इसके लिए आप अपनी डाइट में मछली, अंडा, दूध और डेयरी उत्पाद शामिल करें, ये विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारी लोगों के लिए फोर्टिफाइड अनाज और सप्लीमेंट्स फायदेमंद हैं। और सबसे जरूरी है कि आप नियमित व्यायाम करें। जी हाँ, नियमित व्यायाम जैसे तेज चलना, दौड़ना और साइकिलिंग लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इसलिए हर दिन 30 मिनट व्यायाम करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। अगर आहार से हीमोग्लोबिन का स्तर नहीं बढ़ता है तो डॉक्टर की सलाह से आयरन सप्लीमेंट्स लें, लेकिन ध्यान रखें कि आयरन की अधिक मात्रा नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। दोस्तों, स्वस्थ जीवन के लिए हीमोग्लोबिन का सही स्तर बनाए रखना जरूरी है। इन 5 आसान उपायों को अपनाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली बार।